ए, ये छोकरी कौन है? पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा इसको। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन अजय के साथ डांस कर रही थी। पर ये इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये अजय की गर्लफ्रेंड तो नहीं? क्या बोलता है? अभी पता चल जाएगा, चल देखते हैं। रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पीने आए थे सर। तो चाय पी ली ना? हाँ। तो आप घर जाओ, चलो। हाँ हाँ ओके सर, चलो चलो। कॉल नहीं लगा क्या मैडम? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ रहते हैं? बस यही पास में। आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, तुम निकलो, मैं पैदल जाऊंगा। आइए प्लीज। मैंने आपको इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा। हम कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं। मैं चली जाऊंगी अंकल, आप जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया सेफ नहीं है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। यही है मेरा घर। आपका घर? हाँ यही है। यही घर है ना? जी अंकल। यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, आपको अंदर भी छोड़ देता हूँ। ठीक है आइए। थैंक यू अंकल, गुड नाइट। ये कौन है? ये मेरे होने वाले पति। मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? ये तो पीछे पड़ गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंदर आइए, बैठिए ना। थैंक यू। आप इनसे बात कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ओके। तुम जाग गए? ये दिव्या, इनकी छोटी बहन है। अंकल को नमस्कार करो। मैं नहीं नहीं। अंकल को नमस्कार करो। नमस्कार अंकल। मैं पानी लेकर आती हूँ, बहुत चुपकू है ये। आधी रात को कौन आया है? ये कौन है जी? इसकी वाइफ और उसकी भाभी है, तो बताइए आप इसकी कौन हुई? हाँ सासू माँ। सासू माँ? क्या रे, शादी की और बताया भी नहीं। माँ ये कितनी सुंदर है, आजा आजा बैठ जा, आजा आजा बैठ बैठ जा। रात को इतनी चमक रही है तो दिन में कितनी सुंदर दिखेगी। कहाँ तक पढ़ी है? डांस और गाना आता है? हाँ जरूर आता होगा, आजकल की लड़कियाँ तो सब जानती है। मेरी सासू माँ बड़ी मजाकिया है, हमारी शादी का मुहूर्त तो इन सब के सामने ही निकला था। ये क्या, शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया और हमें बताया भी नहीं? क्यों भाई साहब, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अब बताइए ये शादी कहाँ होगी, आपके या आपके ससुर के घर में? आप घर क्यों नहीं जाते, आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी। आपने पानी मांगा था ना, मैं अभी लाती हूँ, पानी पीजिए और जाइए, आपको भी तो घर जाना होगा ना। सर, बेटा ये सर को देना। अजय ये लड़की वही है, लोग अजय अजय रुको, अजय रुको, अजय लिसन टू मी प्लीज। अजय अजय नहीं, अजय प्लीज। मेरा हाथ पकड़िए ना, कम ऑन। क्या कर रही हो तुम, हेल्प करो ना, खींचो मुझे डैड को। Thank you.
अजय रुको, अजय। एक तरफ एसीपी डैड है और दूसरी तरफ वो वीरभद्र। समझ में नहीं आता तुम्हें कहां छुपाऊं। यहाँ क्या है? इस टैंक से पूरे बैंगलोर को पानी सप्लाई होता है। ये तुम्हारे छुपने के लिए अच्छी जगह है। संभल के। ये सब मेरे लिए नॉर्मल है, डोंट वरी। और वो कबड्डी का फाइनल मैच, मेरी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। इस वक्त मेरे सामने दो ही लक्ष्य हैं। पहला तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजना और दूसरा नेशनल कप जीतना। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? टेंशन? मैं खुश हूं। और तुम? सॉरी, जरा आंख लग गई। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा टिकट तैयार है, फ्लाइट कल दोपहर की। वो दोनों अंदर ही उठा लो ने। ए सीपी, बाहर निकाल, बाहर आ। निकलो यहाँ से। ए वीरभद्र, तुम जानते नहीं ये किसका घर है? तुझे पता भी है तेरे बेटे ने क्या किया है? उसने मेरी मंगेतर को किडनैप किया है। मिलने से पहले मैं औरत को खिलौना समझता था, मगर उससे मिलने के बाद मैं खुद ही खिलौना बन गया हूँ। मैं क्या करूँ एसीपी, दिमाग सटक गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं। कहाँ है तेरा बेटा? बॉस, रूम में एक सीढ़ी है जो टेरेस की तरफ जाती है। वाह 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 वाह, समझ में आ गया, बस यही से दोनों भागे होंगे, यही से भागे हैं दोनों। अरे तुम लोग मुझे आंखें फाड़ के क्या घूर रहे हो? मेरे जैसा शरीफ आदमी नहीं देखा क्या? अच्छी तरह से देख लो, और जरा इस एसीपी को भी देखो। ये बाप बेटे की जोड़ी दोनों के दोनों बहुत खतरनाक है। जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसे इसके लड़के ने किडनैप कर लिया। एसीपी, तूने हजारों लोग देखे होंगे लेकिन मुझ जैसा आज तक नहीं देखा होगा। खून पी जाऊंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। सिर्फ 24 घंटे देता हूँ तुम्हें, अपने लड़के को ढूंढ और मेरी मंगेतर वापस कर। अच्छा होगा कि वो तुझे मिल जाए और तू उसे अरेस्ट कर दे, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया तो उसका मार डाल। चलता हूं। अजय, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं देखा ना? नहीं नहीं, पासपोर्ट वीजा और टिकट सब इस एनवेलप में है। 4 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, समझा? बाहर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। वीरभद्र ने तेरे डैड को वार्निंग दी है कि तुझे और पल्लवी को 24 घंटे के अंदर उनके हवाले करना है। एक तरफ पुलिस, एक तरफ वो वीरभद्र, पूरा शहर घेर के रखा है, तू निकलेगा भी तो कहां से? एयरपोर्ट तो भूल जा, उसे यहां से बाहर निकालना भी मुश्किल हो सकता है। वो सब मैं संभाल लूंगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैंने जो कहा था वो लेकर आया? हाँ लाया। लाओ, इस बैग में पल्लवी के कपड़े भी है। ये सेल फोन तुम लोग, तुम पांचों अलग अलग जगह पर, एक दूसरे को कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करो। तुम्हें मुझे हर पल का अपडेट देते रहना है। हम एयरपोर्ट पर सीधे 2 बजे मिलेंगे, ठीक है? ओके, याद रखना, एयरपोर्ट पर 2 बजे। हाँ, ओके ओके अजय। पल्लवी, तुम्हें आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और तुम और मैं इतनी जल्दी इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और अब तुम हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही हो। कैथरीन, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम वापस तो आओगी ना? पता नहीं। हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया मत जाओ पल्लवी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहो, ऐसे रो मत पल्लवी, प्लीज। हे कैडबरी, तू क्यों रो रही है? ये स्टडी करने अब्रॉड जा रही है, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मैं नहीं रो रही भैया, ये भी रो रही है। ये देखो,
ये तो तेरा टैलेंट है, तू किसी को भी रुला सकती है। देख टैंक में कितना पानी भर गया तेरे आंसुओं से। और तुम्हारा क्या टैलेंट है, किसी की फीलिंग को ना समझना। सही कहा, ये किसी की फीलिंग्स नहीं समझता। मेरा एक ही सवाल है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? अब तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो पढ़ने के लिए, उसमें बुरा क्या लगना है? लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुमको, तुम्हारी फैमिली को, अपने दोस्तों को, इन सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे जाने के बाद ना कोई एक्शन होगा, ना टेंशन, ना एडवेंचर, कुछ नहीं होगा। हाँ, नेशनल कप में थोड़ा मजा आएगा, फिलहाल वो सब जाने दो। तुम्हारे कपड़े इस बैग में है, और तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना, बैग में कुछ स्नैक्स भी है, कपड़े चेंज करो और फटाफट आ जाओ, टाइम हो गया। ओके, अजय हमें एक घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचना है। ये पकड़। हमारा प्लान फेल हो गया है, तेरे डैड को पता चल गया कि तुम लोग वहां छुपे हो, वो लोग अभी पहुंचते ही होंगे यार। Come on, shut up!